मौलाना तौकीर रजा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तौकीर रजा को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट का कहना है कि मौलाना तौकीर रजा को 27 मार्च से पहले ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना होगा, लेकिन सरेंडर के बाद जमानत की अर्जी ट्रायल कोर्ट में दाखिल करने की उन्हें छूट हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के तौकीर रजा की अर्जी पर कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश भी दिए हैं। क्या है पूरा मामला? तौकीर रजा खान हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रही हैं। उनका प्रभाव बरेलवी मुसलमानों के बीच काफी ज्यादा है। मौलाना कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के इल्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले साल उन पर मुकदमा दर्ज किया था। साल 2010 में हुआ था दंगा। दरअसल साल 2010 में 2 मार्च को होली के जुलूस और बारफात का जुलूस निकाला जाना था। हालांकि दोनों जुलूस शहर में शांतिपूर्ण निकाले गए, लेकिन इल्जाम है कि सौदागरान मकामी आला हजरत परिवार से ताल्लुक रखने वाले मौलाना तौकीर रजा ने एक समूह के लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद शहर कोतवाली इलाके के कुतुब खाने से प्रेम नगर के कुहाड़ा पीर बाजार तक दंगा भड़क गया था। इस दौरान भीड़ ने पुलिस चौकी समेत कई लोगों के घरों में आग लगा दी थी। उस वक्त ऐसे हालात हो गए थे कि शहर में 27 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाया गया था।